चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 7098 आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मणिपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि। आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई आने वाले दिनों में आप क्या रिसीव करने वाले हो, ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करने वाले हो या फिर हीलिंग रिसीव करने वाले हो। आजकल जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना तो मुझे ये बहुत फील होता है, इस तरीके के काफी सारे चैनल मैसेजेस मिलते हैं जिनसे कि मुझे पता लगता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं, शायद एक ग्रुप है पूरा, जो अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहा। ग्रुप से मतलब मेरा वो नहीं है कि जो लोग मुझे दिखाई देते हैं या जिन लोगों के लिए मैसेजेस मुझे मिलते हैं वो एक ही फैमिली के हैं या फ्रेंड्स हैं, नहीं नहीं उनके साथ में जो परेशानी है ना वो कुछ एक जैसी है। ये एनर्जी कलेक्टिव है, ओके। कुछ फील होता है, मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इतने अच्छे से दिखा भी नहीं, अभी इस मंथ से ही शुरू हुआ है और लेट्स सी, खुद ही खुलकर आएगा, यूनिवर्स खुद ही दिखाएंगे बताएंगे। बट मुझे थोड़ा ऐसा फील होता है कि कुछ है, कुछ इश्यूज हैं। और अभी जब मैं ये पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूं ना मेल्स पर, तो वहां पर भी मैंने देखा है कि लगातार मुझे ऐसे ही लोगों से मिलना हो रहा है जो किसी ना किसी तरीके से मतलब जिनको हीलिंग की जरूरत है। मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आपको फील होती है आप बोल नहीं सकते, है ना, जब तक गारंटी ना हो। हल्का फुल्का कुछ दिखता है उसके हिसाब से आप नहीं बता सकते कुछ भी, है ना। बट हाँ वही है कि जिन लोगों की भी मैं रीडिंग कर रही हूं ना उन सभी के लिए मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं और गाइडेंस भी आ रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप किसी की रीडिंग करो तो उनको आप मैसेजेस दो, उनको गाइडेंस दो, ऐसा नहीं होता हर बार। लेकिन इस बारी में जिनकी भी रीडिंग कर रही हूं ना सभी के लिए गाइडेंस आ रहा है। मैं रीडिंग करना शुरू करती हूं और मैसेजेस जो हैं वो चैनल होने लग जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो पक्का है। हालांकि जिनको हीलिंग की जरूरत है वही रीडिंग लेने आते हैं, लेकिन लगातार ऐसा हो ऐसा नहीं होता, इस बार हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि क्या है, और अगर आपको हीलिंग की जरूरत है तो कैसी हीलिंग की जरूरत है, और आप खुद कर सकते हो खुद को हील या फिर नहीं, या कोई और आ रहा है वो करेगा, तो किस तरीके से आपको कोऑपरेट करना है या जो भी है, ठीक है, डिटेल में देखेंगे, जो आएगा वो देखेंगे, राइट। सो इस रीडिंग को देखने के लिए सामने ये जो दो मैंने ग्रुप्स बनाकर रखे हैं इनमें से एक ग्रुप आप सिलेक्ट कर लें अपने नेम के इनिशियल्स के आधार पर। अभी कई सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि इनिशियल्स क्या है, मतलब जिन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है, ओके, उनको इनिशियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो ग्रुप्स हैं, ये तो हो गया पहला वाला ग्रुप, यहां पर इनिशियल्स इस तरीके से हैं। देखो आपका नाम इनसे शुरू होता है या फिर नहीं होता है, अगर आपका नाम इनसे शुरू होता है तो आप इसका रीडिंग देखोगे इस ग्रुप का, अदरवाइज आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है, ये है ग्रुप नंबर टू। और अगर आपको लगता है कि आप इसके आधार पर रीडिंग नहीं देखना चाहते हैं, आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा है, आप अपने इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में काफी टाइम से हैं, मेडिटेशन योगा ये सारी चीजें कर रहे हैं, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हैं, तो आप यहां पर जो मैंने ब्रेसलेट्स रखे हैं इनका सहारा ले सकते हैं। पहला है ग्रीन एवेंचरन, दूसरा है टर्कोइज, तो इनमें से जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे मैं यहां पर ऐसे रख देती हूँ, आप आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो पॉज कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से इन पर मेडिटेट करो, महसूस करो कि कौन सा जो क्रिस्टल है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और देख लेनी है अपनी रीडिंग। इन केस अगर आप ये वाला सिलेक्ट करते हो और रेजोनेट ये वाला होता है तो आप ये भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं यहां पर जो अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी उतना इंट्यूशन उनका अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उनकी हीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, ओके। तो क्या होता है समटाइम्स कि आप अपने इंट्यूशन को और अपने मन को एक जैसा समझ लेते हो, अपने दिमाग को एक जैसा समझ लेते हो, कैसे बताऊं, देखो दिमाग जो है ना वो जब बोलता है तो वो वहां पर सोच समझ सब कुछ होती है, इंट्यूशन में ऐसा नहीं होता। इंट्यूशन एक आवाज सी आती है आपके अंदर से, और ये ऐसी आवाज होगी जिसका आपको दूर दूर तक ख्याल नहीं होगा, ठीक है, ये इंट्यूशन होती है। तो समटाइम्स ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्यूशन क्या है
और हमारा दिमाग क्या है, क्या बोल रहा है, ये दिमाग है या इंट्यूशन है, ऐसा हो जाता है। तो समटाइम्स जो ऑब्जेक्ट उनके लिए होता है यूनिवर्स की तरफ से, वो उसको सिलेक्ट ना करके दूसरा कर लेते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको ठीक कर सकते हो, रेगुलरली मेडिटेशन करोगे ना ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अभी ऐसा हो जाता है मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने ये सिलेक्ट किया लेकिन इसका रेजोनेट हुआ, तो आप उसका देख सकते हो, ठीक है। बस मैं ये क्लियर करना चाहती थी कि आप परेशान ना हो इसलिए। सो चलिए शुरू करते हैं। अब ये रीडिंग जो है जनरल है, याद रहे जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद बताना चाहूंगी अबाउट पर्सनल रीडिंग्स। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो जो हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके, वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। डायरेक्टली जाकर आप उस ऐप को इंस्टॉल करें और बुकिंग कर लें। मेल रीडिंग्स अवेलेबल हैं, ऑडियो या फोन कॉल सभी नहीं है। तो अगर आपको मेल रीडिंग्स लेना है तो आप ले सकते हैं। वहां पर आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा आपके मेल पर, और आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। तो आप चाहे तो वो कर सकते हैं, स्टॉक होगा शायद, थोड़े ही हैं स्टॉक, तो आप चेक कर लेना खुद ही। और अगर कोई आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करे, मेल आईडी शेयर करे आपके कमेंट पर, उस पर नहीं जाना है। मैं हर बार ये बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ, आपको वहां पर नहीं जाना है। मैंने आपको बता भी दिया कि आपको बुकिंग कहाँ से करनी है, तो फंसने का तो कोई चांस ही नहीं है। कोई ऐप थोड़ी ना दूसरा बना लेगा सेम उसी नेम से, है ना। और आपको क्या करना है, सीधा जो लिंक दिया गया है वहां से क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप बस डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो का वो चेक करें, ठीक है, और अलर्ट रहें। अदरवाइज तो मैं शेयर करती रहती हूँ पोस्ट वगैरह। हालांकि इस फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत होशियार है, समझदार है, अब कोई उनको बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन जो नए नए लोग आते हैं उनको शायद पता नहीं रहता और वो उनके झांसे में आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा अलर्ट रहो, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन एवेंचर एंड ब्रेसलेट को और इस वाले ग्रुप को, ग्रुप नंबर वन को, तो चलिए देखते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हो आने वाले दिनों में। मैं इसको साइड में रख रही हूँ गाइस, ये बहुत इधर उधर फिसलता रहता है, ठीक है। ये ब्रेसलेट यहाँ पर रख रही हूँ, चलिए चेक करते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हैं। उससे पहले आप जाकर इंट्रो जरूर सुन लें, आप लोग इंट्रो मिस कर देते हैं सोच करके, अरे वही सारी बातें कर रही हैं। बट गाइज, मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती, मैं वही सारी बातें करती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ या आपके मन में डाउट्स हों रीडिंग्स को लेकर, तो उसको क्लियर करती हूँ। आप वही सवाल मुझसे पूछते हो फिर कॉमेंट सेक्शन में, या तो आप सवाल नहीं पूछो वो वाले जिनके जवाब मैं दे ही चुकी हूँ इंट्रो में, तो इंट्रो छोड़कर आप फिर वही सवाल मेरे से पूछते हो वापस से। तो प्लीज आप लोग एक बार इंट्रो सुन लिया करो, मैं वहां पर और भी कई सारी बातें बताती हूँ, लाइक स्कैमर्स हैं वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपको किस तरीके से रीडिंग्स लेनी है वो सारी चीजें भी बताती हूँ, तो उसको मिस ना किया करो। पर्सनल रीडिंग्स अगर चाहिए तो 709 क्रिस्टल कॉर्नर, फिर से रिपीट करती हूँ, 709 क्रिस्टल कॉर्नर ये ऐप है हमारा, फैमिली ऐप है। आप इसको इंस्टॉल करें, लॉग इन करें विद योर मेल आईडी, और वहां पर आप कंसल्टेशन करके एक कैटेगरी आपको मिलेगी, वहां पर आप जाकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं रीडिंग की, ठीक है। मेल रीडिंग्स हैं, यानी कि आपको मेल पर ही जवाब मिलेगा, ऑडियो या फोन कॉल्स पर अभी आपकी रीडिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप इसको प्रेफर करते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं, आपको किसी और व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी पर जाना ही नहीं है। सीधी सी बात है, आप ऐप इंस्टॉल करो वहां से बुकिंग करो, कोई धोखा हो ही नहीं सकता, आप सेफ हो, राइट। बस आपको इतना ही करना है, ऐप इंस्टॉल करना है और लॉग इन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्रिस्टल्स भी वहां पर दिख जाएंगे, अगर आपको जरूरत हो आपकी रीडिंग भी हो सकती है। अगर आपको क्रिस्टल से जुड़ी बातें पूछनी है तो उसका उसके लिए भी कंसल्टेशन है, आप जो चाहो वहां पर कर सकते हो। आप सेफ हो, एक तरीके से ये सोच लो कि आप वहां पर सेफ हो, ठीक है। आप वो इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है तब भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, जब जी चाहे आप उसको विजिट करो, और जब आपको आपके मतलब की चीज दिखे तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है, या कुछ भी पूछ सकते हो, आसान हो जाएगा आपके लिए हमसे जुड़ना, बस ये है, ओके। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं हमारी और देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। इंट्रो सुन लेना, ओके, और कोई अगर कमेंट पर रिप्लाई करे व्हाट्सएप नंबर के साथ कि हाँ मैं सुरभि हूं या व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मानना मत किसी की बात, ठीक है। मैं नहीं करती शेयर, मैंने शेयर करना बंद कर दिया, बहुत पहले शुरुआत में करती थी जब मुझे पता नहीं था कि इस तरीके के लोग भी होते हैं,
लेकिन जब इन लोगों ने ये काम करना शुरू किया तो मैंने फिर शेयर करना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं भी शेयर करूंगी वो भी शेयर करेंगे, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी सुरभि दी है कौन सी ये स्कैमर्स हैं, राइट? तो इसलिए मैंने वो बंद ही कर दिया, मैंने शेयर ही नहीं करना है कुछ। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दो या फिर वेबसाइट का लिंक दो और वहीं से आप लोग विजिट करो। और मैं इंट्रो में ऐसे ही बोल देती हूँ कि भाई मैं करती नहीं हूँ किसी को रिप्लाई इस बात पर, ठीक है? तो अगर किसी का रिप्लाई आता है इस बात पर कि रीडिंग ले लो या कुछ भी, वो मैं नहीं हूं, सीधी सी बात है। ऐप इंस्टॉल करो, वहां से कनेक्ट हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐप मैंने इसीलिए बनवाई, अब ऐप पर आकर थोड़ी ना धोखा कर लोगे तुम, है ना? दिखाओ होशियारी कैसे दिखाते हो, ठीक है? तो आप थोड़ा सा आपको फिर समझदारी दिखानी होगी। हालांकि फैमिली के मेंबर्स तो अब इतने होशियार हो गए हैं, उन्हीं को चूना लगा देते हैं लेकिन हाँ, जो नए लोग हैं उनको थोड़ा पता नहीं रहता, इनोसेंट है। कोई नहीं, सबके अपने कर्मा हैं, सब अपने टाइम पर भुगतेंगे। चलो भाई देखते हैं क्या आने वाला है, क्या रिसीव करने वाले हैं हमारे व्यूअर्स। हे प्रभु, इतना क्यों शफल करवा रहे हो? अच्छा मैं जैसे ही बोला वैसे कार्ड्स आ गए। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फूल। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। जजमेंट, मैं इसको साइड में कर रही हूं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये है ना बात, ये है ना बात। ओके, यहाँ पर है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। दिक्कत में थे भाई, दिक्कत में थे। चलिए देखते हैं, देखते हैं और देखते हैं, इतने से हमारा काम नहीं बनता ऐसे देखते हैं ये वाले कार्ड्स। ये मैं इसको थोड़ा ठीक कर लू ना, मैं कार्ड्स ज्यादा रखूंगी, एक मिनट, अभी ठीक है। ये कार्ड बहुत आता है, एक क्रिया का और एक ये हमारी फैमिली के लिए। सो, इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जो इश्यूज नहीं रहते ना फिर वो कार्ड्स नहीं आते हैं। अगर ये कार्ड्स बार बार आ रहे हैं मतलब दिक्कत है। बाय द बुक, ये कल आया था किसी के लिए, पर्सनल रीडिंग में कर रही थी मैं तब। अच्छा यहाँ से देखते हैं, सारे कार्ड्स मैं गाइस पहले ही निकाल रही हूँ, आपको पता ही है, जो लोग नए हैं उनको बता रही हूँ कि मैं इसी तरीके से कार्ड्स निकालती हूँ सारे शफल करते हुए और बाद में फिर रीडिंग करती हूँ। तो आप अगर चाहें तो इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, ऑटम ऑफ द डेक क्या है, इमोशंस आर रनिंग है, सुपर मून, सुपर मून। ओके, यहां से देखते हैं, अपॉर्चुनिटी। ओके जी, चेंज डायरेक्शन,
ये डिले का मैटर है और कुछ नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी। मून, मैसेजेस आ रहे हैं आपको, रिसीव कर रहे हैं आप लोग इंट्यूटिवली, आई मीन कुछ साइंस मिल रहे हो, मैसेजेस मिल रहे हो। देखना, ध्यान देना, ठीक है। नंबर्स दिखते हो या कलर्स दिखते हो, कुछ होगा जरूर, पक्का ध्यान देना। या ड्रीम्स आ रहे हो जिनको आप इग्नोर कर रहे हो सोच के कि अरे ये तो ऐसे आते रहते हैं। ध्यान देना क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर है, और आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं तो झूठ तो नहीं हो सकता, वही आपको मैसेजेस दे रहे होंगे, ठीक है। तो आज से ध्यान देना, अगर ध्यान नहीं देते हो, दे रहे हो तो अच्छी बात है, ग्रेट टीचर, ठीक है। स्पेशल जो एक्सपीरियंस होते हैं आपके, अनुभव होते हैं, तो उनसे हमें सीख लेनी होती है। मैं काम करती हूँ, मैं कुछ एक डेक में और लाऊंगी, उससे मुझे चाहिए कुछ, मुझे क्लैरिफाई करना है। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट गाइस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सावन आ रहा है ना, सावन के टाइम पर यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्या करना है, चांदी का चंद्रमा बनवाकर पहनना है गले में। वो अपने कुंडली अपना देख लेना, ठीक है। किसी को ये करना है, मुझे नहीं पता किसको करना है। आप कुंडली के हिसाब से करते हो तो वैसे देख लेना, अदरवाइज आप जिनको भी मानते हो उनसे पूछ लेना आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए तो मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन कुछ लोग हैं यहां पर जिनको ये करना है, ठीक है। चांदी का सिल्वर का मून बनवा के धारण करना है, ओके। शिवलिंग पर जाकर रखोगे उसको, प्रे करोगे और उसके बाद पहन लोगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज है और इसको इग्नोर मत करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो। और अगर आपकी राशि कर्क है तो पक्का आपको ये करना ही करना है, मतलब फिर भी आप अपना देख लेना, क्योंकि नक्षत्र वगैरह फिर वो अलग हो जाता है, आप दिखवा लेना, ठीक है, आपके लिए सही है या फिर नहीं। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स, और मुझे इतू सा टाइम दे दो मैं थोड़ा सा मेडिटेट करूं और फिर मैं आपको बताती हूं कि आप क्या रिसीव करने वाले हो, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, कई सारी बातें हैं लेकिन आज की रीडिंग ना थोड़ी अलग सी है। यहां पर मैसेजेस कुछ इस तरीके से हैं कि जो आप कर रहे हो ना उसको रोककर फिर कुछ अलग करना है। ओके ओके, मैं बताती हूं। जैसे कि यहां पर दो तरीके के मैसेजेस मुझे मिले, उन लोगों के लिए मैसेजेस मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी रख रहे हैं कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से, और व्यस्त रखने की वजह जो है वो कुछ ऐसी है कि एक तो उनको सक्सेस भी चाहिए लाइफ में, ओके, इस वजह से भी है। दूसरा, कुछ चीजें हैं जो उनको पीछे की तरफ खींचती हैं, ओके। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे ख्याल हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जिनसे कि वो छूटना चाहते हैं, और छूटने का जो सबसे बेहतर तरीका है, उन्होंने माना है कि आप काम करने लग जाओ, खुद को इतना बिजी रखो कि और सारी चीजों के लिए जो पहले की चीजें हैं उनको आपके दिमाग में जगह ही ना मिले रहने की, जो नई चीजें हैं वो उनकी जगह ले लें, ठीक है। तो काम करो, काम करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, और ये सही भी है, आपकी सोच गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको लिमिट से ज्यादा करने लग गए हो, ओके, अगर आप बहुत ज्यादा ये करने लग गए हो, जैसे अगर आपने कोई बिजनेस किया मान लो, ठीक है, एक बिजनेस किया, फिर दूसरा किया, फिर आपको जॉब भी करनी है, उसके बाद फिर आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो, फिर आप हीलिंग भी कर रहे हो, ओके, फिर जो थोड़ा टाइम मिला उसमें आपने फिर कुछ और करना शुरू कर दिया, घर का काम भी कर रहे हो,
फिर और थोड़ा टाइम मिला, नींद नहीं आ रही है तो चलो बुक्स पढ़ते हैं, फिर और टाइम मिला तो ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी खुशियां हैं जो कि आपके जीवन में होनी चाहिए आपको अच्छा महसूस करवाने के लिए, आपको नयापन देने के लिए, आप उसको भी मिस कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपने अपना गोल बनाया कि पास्ट की जो भी चीजें हैं वो मैंने भूलनी है, तो पास्ट में जो बुरी चीजें हैं वो तो आप भूलो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं। अब वो कहते हैं ना गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है, तो वो चीज है, तो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना वो भी आप मिस कर रहे हो। कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको उन्हीं से मिलनी सॉरी जो आपको उन्हीं से मिलनी है जो आपके पास्ट से हैं। लोग जैसे हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स हो जिनसे आपने बात करना छोड़ दिया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप उससे बात करते हो या उनसे बात करते हो तो आपको आपका पास्ट याद आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब करते थे या कोई बिजनेस करते थे और उस वक्त कुछ लोग आपके साथ थे, ठीक है, उनके साथ आपको अच्छा लगता था, फिर वहां पर कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से वो काम आपका छूट गया, या फिर आप किसी कनेक्शन में थे, उस वक्त आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, है ना, फिर आपका वो कनेक्शन खत्म हो गया, तो आपने क्या किया, उन फ्रेंड्स को भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब आप उनको देखते हो, उनके फेस को देखते हो, तो आपको आपका पास्ट याद आता है। तो आपने क्या सोचा कि ठीक है धीरे धीरे करके कट करते हैं। बट हुआ ये है कि आप उनसे तो रिश्ता खत्म कर रहे हो, लेकिन उनके साथ में कुछ खुशियां जुड़ी हुई हैं या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको मिलनी है, वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे, ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो आपको बोला ये गया है कि अभी थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, थोड़ा सा खुद को हील करो, क्योंकि ये हीलिंग नहीं हो रही, इससे तो आप अपना दर्द दबा रहे हो, अपनी तकलीफ को दबा रहे हो, हील थोड़ी कर रहे हो, वो ठीक थोड़ी हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें दर्द होता है ना, हम पेन किलर खा लेते हैं, पेन किलर से क्या होता है, दर्द कुछ समय के लिए कम हो जाता है, लेकिन जिस वजह से हो रहा है वो वजह थोड़ी चली जाती है। अब मान लो कोई तकलीफ है आपके शरीर में, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, भगवान किसी को भी ना हो, लेकिन मैं बता रही हूं, एग्जाम्पल दे रही हूं इसलिए बोल रही हूं, तो अगर कोई दिक्कत है तो वो तो नहीं जाएगी, ये तो दर्द कम हो जाएगा पेन किलर से, लेकिन वो दिक्कत तो नहीं जाने वाली, क्योंकि जो आप पेन किलर खा रहे हो वो उस मर्ज की दवा थोड़ी है ना। तो बिल्कुल ये चीज है। तो यहां पर अगर मैं आपको मैसेजेस दूं कि मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, तो मैसेजेस ये हैं कि थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो और खुद के ट्रिगर्स को हील करो। अभी आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में ये होगा कि आप खुद को मुक्त महसूस कर पाओगे। मुक्त नहीं हो आप, आई थिंक ये वर्ड जो है वो सही रहेगा इस रीडिंग में, आप मुक्त नहीं हो। आपको आने वाले दिनों में कुछ मैसेजेस मिलेंगे, कुछ नंबर्स दिखेंगे, कुछ कलर्स दिख सकते हैं या कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, और अगर आप उन नंबर्स का मतलब जानने की कोशिश करते हो या फिर उन ड्रीम्स को फॉलो करते हो या फिर समझने की कोशिश करते हो कि ये साइंस क्या है और फिर उनको फॉलो करते हो, मतलब जब आप उनको समझोगे तो डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई गाइडेंस होगा, आपको मिल ही जाएगा। आपको जरूरत नहीं है कि आपका कोई गुरु हो वही आपको समझाए, अगर आप खुद भी समझना चाहो ना तो आप समझ सकते हो। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो यूनिवर्स को बोलो या जिनको भी मानते हो उनको बोलो कि प्रभु मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, प्रभु मुझे ये नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, आप हमें बता दो, तो वो आपको बताएंगे। फिर आप क्या करोगे, उसको फॉलो करोगे, और जैसे जैसे आप फॉलो करोगे वैसे वैसे आपकी हीलिंग होती चली जाएगी, और जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी वैसे वैसे आप खुद को मुक्त महसूस करोगे, फ्री सोल, लाइक अ फ्री वर्ल्ड। ठीक है, आप फ्री सोल बन जाओगे। आप यहां पर कार्ड्स देख रहे हो, ये देखो लड़की किस तरीके से बाहें फैलाए, बिल्कुल यूनिवर्स के सामने खड़ी हुई है, क्या मुझे दो अपॉर्चुनिटीज, मुझे दो खुशियां, और ये देखो ये भी, इस इमेज को देखो, तीनों मिलती जुलती सी हैं। सो यही यहां इस रीडिंग के जरिए आपको यही बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आप इससे मुक्त हो तो आपने खुद थोड़े से प्रयास करने होंगे। आने वाले दिनों में आप रिसीव क्या करोगे, है ना, आने वाले दिनों में आपको कुछ
मैसेजेस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से और आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है एंड चीजें फिर ठीक होती चली जाएंगी एंड देन ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, और यहां पर अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में। मैंने कहा ही था कि दो तरीके के मैसेजेस मिले हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तो काम करना थोड़ा कम करो, खुद पर फोकस करो और थोड़ा आसपास अपने देखो कि क्या चीजें हैं, क्या कुछ आपको मिलने वाला है जो कि आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ आपकी इस आदत की वजह से। ठीक है, अपनी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करो। अब वही बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि अपने दर्द में ही खोए हैं और किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर रहे, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो खुशियां मिल रही हैं उन पर फोकस नहीं कर रहे, उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका फोकस उन चीजों पर ज्यादा है जो कि उनके पास अभी नहीं है, अपने पास्ट में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आपने कोई पेट एनिमल खोया हो। मुझे नहीं पता कि ये मैसेज मुझे क्यों मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपका कोई, जैसे आप यहां पर देख सकते हो एक डॉग है इस बच्चे के साथ में। ठीक है, तो हो सकता है कि आप किसी को बहुत प्यार करते थे, आपका पेट एनिमल था, नहीं है अभी, और आप उसको बहुत मिस कर रहे हैं, है ना, तो उसके ही दुख में आप परेशान हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आप किसी को पसंद करते थे, या फिर आपका जॉब नहीं है, या फिर आपका बिजनेस नहीं है, या फिर आपका जो आपके दिन हुआ करते थे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे वो पुराने दिन है ना, तो पुराने दिन हैं तो उनमें आप खोए रहते हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। प्रेजेंट टाइम में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है या मिल रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे। यूनिवर्स आपसे चाहती है कि आप थोड़ा सा खुद को सुधारें, खुद को संभालें, थोड़ा सा अच्छा खाएं पिएं, मेडिटेशन करें, योगा करें, थोड़ा कंसंट्रेट करें खुद पर, आसपास की स्थिति परिस्थिति को देखें, अपने जीवन को वापस से बैलेंस में लेकर आए। ये टाइम नहीं है रोने धोने और तड़पने का, ये टाइम है खुद से प्यार करने का और दूसरों को भी प्यार करने देने का। कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको भी पास नहीं आने देते, क्योंकि आप अपनी दुनिया में खोए हुए हो, आप दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, और आपको आदत पड़ गई है। ये पता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा दुख में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो ना, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ केसेस हैं मैंने पढ़े हैं, जहां पर लोगों को दुख में मजा आने लग जाता है। अगर उनकी हीलिंग हो, अगर उनके जीवन में कुछ अच्छे अच्छे लोग आए, उनको हंसाएं, प्यार करें, तो उनको अच्छा नहीं लगता, डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनको दुख में रहने की आदत हो गई है। तो उस स्टेज पर आप ना पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि अभी आप काउंसलिंग लें और सबसे पहले खुद की हेल्थ का ख्याल रखें। ओके, धैर्य रखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ है जो आप रिसीव करने वाले हैं, बट तुरंत के तुरंत नहीं मिल जाएगा। यहां पर ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कुछ होने का, जैसे हो सकता है सेटल होने का पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ के ठीक होने का। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अगर धैर्य रखोगे, थोड़ा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करोगे, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। तो आप क्या रिसीव करने वाले हो? आप रिसीव करने वाले हो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, ढेर सारे प्रपोजल्स, लेकिन सिर्फ तब जब आप आंख खोलकर देखोगे, आंखें आपकी बंद हैं। ओके, तो ये मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं। आपको मैसेजेस भी मिलते हैं बाय द वे, आपके एंसेस्टर्स आपको बोलते हैं कि भाई ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपनी ही तकलीफ में खोए बैठे हो। और जो मुझसे एज में छोटे हैं उनको कहूंगी कि बच्चे देखो, ये जो चीजें हैं ना, जो देखो मेरी एज के हैं और मुझसे बड़े हैं, उनको तो हालांकि ये सब पता है, बट जो बातें मैं बोल रही हूं उनसे थोड़ा उनको समझ आ जाएगा कि ठीक है आगे क्या करना है। लेकिन जो बच्चे, उनके लिए शायद ये नया हो, रीडिंग वो भी देखते हैं। तो आप लोगों से कहूंगी कि देखो बच्चा पार्टी, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, अभी आप कॉलेज में हो, फिर यूनिवर्सिटी में हो जाओगे या हो, फिर जॉब करोगे, है ना, फिर शादी वादी का रहेगा, तो ये सब तो चलता रहेगा। तो आप किसी भी दुख में ना ऐसे डूबे नहीं रह सकते, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है और आपको लाइफ भी एंजॉय करनी है, क्योंकि यही एक मिली है, दूसरी का पता नहीं, है ना। तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है ब्लेसिंग्स की तरह और आगे बढ़ना है। आप किसी भी दुख को ना पकड़ कर नहीं बैठ सकते, ऐसे जिंदगी नहीं चलती। ठीक है, हमेशा मैं किसका एग्जाम्पल देती हूँ, ठहरे हुए पानी का। ठहरा हुआ पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है, फिर कीड़े पड़ जाते हैं। जिंदगी भी ठहर नहीं सकती, पानी के जैसे ही है, हमें भी पानी के जैसे ही बनना होता है, जैसी परिस्थिति हो वैसे ही ढल जाओ। ओके,
ये बोला जा रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस लेकर आए, और उसके बाद आपके लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। हालांकि ये हीलिंग आ रही है, वैसे मैं कहूं तो जो दोनों ही कैटेगरीज मैंने आपको बताई है ना, मतलब दोनों ही जो सिनेरियोस मैंने रखे हैं ना, उन दोनों के लिए अगर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं चलूं कि आपको क्या रिसीव होने वाला है, आपको हीलिंग रिसीव होने वाली है। क्योंकि इसीलिए मैं इतनी बातें कर रही हूं, ये सारी जो मैं बातें कर रही हूं अगर आप फॉलो करते हो बेशक आपकी हीलिंग होगी, क्योंकि एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद को हील करें। और यहां पर ऑलमोस्ट 70% लोग तो आई एम श्योर कि सुनेंगे और फॉलो करेंगे, तो सीधी सी बात है हीलिंग होगी। और जैसे ही उनकी हीलिंग होगी वैसे ही सॉरी जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं उनका वो लाभ उठा पाएंगे। तो ऐसा यहां पर चल रहा है। अब यहां से देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। और अगर ये हीलिंग आपकी हो जाती है, आपको बोला गया है चेंज डायरेक्शन। अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हो तो थोड़ा स्लो होने की जरूरत है, और अगर आप बिल्कुल स्लो हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो, तो भी आपको थोड़ा काम करने की जरूरत है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। इसीलिए यहां पर चेंज डायरेक्शन आया है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना उस डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करो। ओके, ब्रेक लो उससे। एक साइकिल है जो एंड होगा, फाइनली आप सभी लोग फ्री हो जाओगे। सी गणेशा, गणेशा जी, ओवरकमिंग डिफिकल्टी विजडम ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड। देखा, नई शुरुआत होने वाली है, शुभ समय आने वाला है, बुद्धिमानी आपके अंदर आएगी और जो भी डिफिकल्ट टाइम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। गणपति बप्पा बोलना कमेंट में, ठीक है। और यहां पर क्या है, मिस्टिकल पावर आपके अंदर आएगा। मैंने कहा ही कि आपको इंट्यूशन आएगी, आपके जिस तरीके से मुझे मैसेजेस होते हैं ना चैनल, वैसे आपको भी होंगे। अथॉरिटी आपको मिल सकती है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका फल आपको मिलने वाला है आने वाले दिनों में। लेकिन उससे पहले जो बातें मैंने आपको बताई है ना उस पर थोड़ा ध्यान देना। कोकोनट, गुड लक, और कुछ नया शुरू कर सकते हैं। आपको फिर से बोला गया है कि जो आपने कठिन परिश्रम किया है उसका फल आपको मिलेगा, और ये भी बोला जा रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आप थोड़ा सा ये सुधार कर लोगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक मैसेज और है, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो अच्छी बात है, करो, जल भी देना शुरू कर दो। और अगर आप ये दोनों ही चीजें नहीं करते हो तो ये दोनों करना शुरू कर दो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आई होप कि मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हो, आपको समझ आया हो। अगर समझ आया है तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना, रेजोनेट करी है तो वो भी मुझे जरूर बताना। ओके, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टर्कोइज ब्रेसलेट को और इस वाले ग्रुप को, ग्रुप नंबर टू को, तो चलिए देखते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं। और इस ब्रेसलेट को तो मैं यहां रख रही हूं, लेकिन इसको मैं साइड में रखूंगी क्योंकि ये फिसलता रहता है भाई, मुझे होती है दिक्कत, ठीक है। आपको पता तो है ही कौन सा ग्रुप है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है जाकर इंट्रो पहले सुन लें, मैंने काफी सारी बातें बताई हैं, मैं हर दिन बताती हूं, आप लोग नहीं सुनते हो फिर कमेंट करते हो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इस सवाल का जवाब क्या है, उस सवाल का जवाब क्या है, सारे सवालों के जवाब मैं देती हूं इंट्रो में, लेकिन नहीं सुनते आप लोग। और वहां पर मैं ये भी बताती हूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, फ्री रीडिंग सेशंस देखने हैं तो कैसे देखने हैं, कैसे आप बुकिंग करोगे पेड रीडिंग का या कुछ भी, सब कुछ वहीं बताती हूं। नहीं सुनते हो जाकर सुनो पहले फिर रीडिंग देखना, इसलिए फिर फंस जाते हो लोगों के बीच में। कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पता नहीं कौन सा व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, मेल आईडी दे देते हैं। देखो, फैमिली की मैं बात ही नहीं कर रही, फैमिली में तो सब बहुत होशियार हैं सबको पता है ये कौन है, वो खुद ही मजा चखा देते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनको इंट्रो सुनने की जरूरत है, इंट्रो सुना करो, मैं बताती हूँ वहां पर। आपको पता है कितने स्कैमर्स फैले हुए हैं, आ जाते हैं व्हाट्सएप नंबर लेकर, मेल आईडी लेकर, हाँ हम सुरभि हैं, हम व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये वो, हमसे रीडिंग ले लो, बातें करते हो और आप लोग उनकी बात मान लेते हो। कल ही मैंने देखा एक यही लोग थे, एक नंबर के साथ में कमेंट कर रहे थे, तो वो गुड़िया पूछ रही है कि आप सुरभि मैम हो, सुरभि दी हो, और वो उधर से जवाब आ रहे हैं हाँ, और वो सुन भी रही है, मान भी रही है। तो ये नए लोग हैं, फैमिली मेंबर्स तो नहीं, उनको तो पता है, नए लोग हैं ये।
अलर्ट रहा करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो हमारा एक फैमिली ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके, उसको इंस्टॉल करो, वहां से बुकिंग कर लो। ठीक है, अभी स्टॉक है, कर लेना। यहाँ पर जो कमेंट में आपको रिप्लाई करते हैं वो मैं नहीं हूं, मैं कभी रिप्लाई नहीं करती। ठीक है, रिप्लाई करती हूँ मतलब नंबर नहीं देती, मेल आईडी नहीं देती। ठीक है चलो भाई देखते हैं क्या आप रिसीव करने वाले हो। सुन लेना ध्यान से इंट्रो, ठीक है? मौत पड़ेगी वरना, फिर आते हो रोने के लिए मेल पे, ऐसा हो गया हमारे साथ। बड़ी हैवी सी एनर्जी लग रही है, क्या बात है। चलो कोई नहीं, टू ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, अच्छा जी, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये एयर साइन वाले हैं यहाँ पे, पक्का लग रहे मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्स, ओके जी, ओके जी, ओके। यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए। तो अच्छा जी, ओके जी, यहाँ पर ये वाले मैं यहाँ से काट लूंगी। ऐसे आ रहे हैं आपके लिए, किंग ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किसको स्पाई किया जा रहा है, चोरी पकड़ी गई। या तो यहां से कोई किसी को स्पाई कर रहा है या फिर आपको कोई और स्पाई कर रहा है, कुछ तो चल रहा है भाई। लक्ष्मी, अच्छा गाइस मैं कार्ड्स निकाल रही हूं, आपको परेशानी तो नहीं है? अगर हो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैं ना सारे कार्ड ऐसे निकालती हूँ पहले, फिर रीडिंग करती हूँ। ग्रुप नंबर टू बाय द बुक, पहले वाले में भी आया था लेकिन यहाँ कुछ और है। दी फेथ, ओके जो। अरे कोई मुझे बोल रहा था कि आप इंट्रो में वो क्यों नहीं बोलते, केम छो हाँ जी केम छो, ये इसका मतलब क्या है, आप कैसे हो, है ना? हाँ तो कैसे पूछते हैं, मुझे टोन नहीं समझ आ रही, मतलब कैसे पूछना चाहिए। मैं सीख लूंगी गुजराती फिर बोलूंगी, ठीक है? या हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, अरे वाह, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, बहुत अच्छे। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ओके। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। तो कुछ और ही जा रही है कहानी, ये पाइल वन जैसे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे एक और चाहिए। डायरेक्शन गार्जियन, चूज ए पाथ, वही तो चूज नहीं करा जाता, यही तो दिक्कत है, कंफ्यूजन है।
बस एक ही चाहिए, रिलीज। पत्ते गिर रहे हैं, पतझड़। लीडरशिप, क्या कहते हैं धाकड़, कौन सी भाषा में कहते हैं, हरियाणवी। ये फाइनल कार्ड्स हैं और उसके बाद तो फिर मैं लास्ट में देखूंगी एक डेक से। लेट्स सी, यहां से देख लेते हैं। और ब्रेक निगेटिव हैबिट्स, पता ही था मुझे यही आएगा, बार बार किंग ऑफ वॉन्स आ रहा है तो यही आएगा, ब्रेक निगेटिव हैबिट्स। हाँ हाँ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स टाइप, ठीक है। रिलीज द नीड टू कंप्लेन, ये विक्टिम मेंटालिटी। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स और आप इनको देख लो आराम से, और मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, कुछ देर मेडिटेट करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या है। अब बजे, ओके चलिए। ओके गाइस, तो आपके कार्ड्स मैंने देख लिए हैं सारे ही, और कई सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं इस रीडिंग में। ओके, तो जो हमारा टाइटल था ना, कि जो टॉपिक था हमारा कि आपको क्या रिसीव होने वाला है, ब्लेसिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर हीलिंग, तो सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ आप रिसीव करोगे, लेकिन शुरुआत होगी ट्रांसफॉर्मेशन से। और ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो ना तो ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी, ना हीलिंग आपकी हो पाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन भी आपने ही करना है, यूनिवर्स अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं कर रही। यूनिवर्स पता है क्या करती है, पहले हमें चांस देती है सोचने समझने का, कि देखो ये रही परिस्थिति, ये रहे दो रास्ते, चूज करो, सोचो समझो आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब हम लगातार गलत फैसले करते जाते हैं तब यूनिवर्स फिर अपने तरीके से चीजों को हैंडल करती है। तो यहां पर फिर से आपको रास्ते मिल रहे हैं। अब मैंने जो फिर से कहा वो इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है ये पहले भी हो चुका है, आपके सामने दो रास्ते आते हैं, आपको डिसीजन लेना पड़ता है और ये चीज आपको बहुत बुरी लगती है, आप बिल्कुल भी इसमें अच्छे नहीं हो, या फिर आप प्रेशर नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि वही हो, वही रास्ता मेरे सामने खुले, मतलब एक रास्ता मेरे सामने खुले और मैं उस पर निकल लूं, और जो सही हो, सही हो या गलत हो, जो भी हो, मुझे ये ना करना पड़े, फैसला लेने वाली चीज, ये चीज आपको अच्छी नहीं लगती है ना। लेकिन फिर से यूनिवर्स वही करेगी क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप फैसला लो, आप शेर हो, आप शेरनी हो, शेर बब्बर देखो यहां पर है, लेकिन पता नहीं क्यों आप आगे नहीं बढ़ते, आपकी आदत है फॉलो करने की लोगों को, कुछ है ऐसा, या तो आप फैमिली को बहुत फॉलो करते हो, या फिर सोसाइटी को, या जो नियम बनाए गए हैं ना उनको बहुत फॉलो करते हो, कुछ है, मतलब जिस दिशा में सभी जा रहे हैं उसी दिशा में हम भी चल दिए। जबकि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका दिमाग भी बहुत चलता है, देखो है, आइडियाज भी बहुत है, लेकिन आप अलग से कुछ करते नहीं हो, कोई है आदत आपकी, तो घर में छोटे हो क्या ऐसा होता है जो घर में छोटे होते हैं ना, सभी के साथ नहीं लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ मैंने देखा है कि वो फिर वो पीछे पीछे चलने लग जाते हैं कि आप जो कहो आप जो करो, या फिर वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि घर के जो बड़े हैं वो दबा के रखते हैं, नहीं तो वो चीज है, कुछ तो है, क्योंकि पावरफुल तो आप बहुत हो और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, बट फिर भी आप फॉलो करते हो दूसरों को, आप ये भी देखते हो कि कोई किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ, अच्छा वो इस तरीके से सक्सेसफुल हुआ, ठीक है हम भी वही करेंगे, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सभी को एक चीज सूट ही कर जाएगी। ऐसे तो हॉस्पिटल में आप जाओ तो एक ही दवाई सबको दे डालते हो क्या, सबको तो सूट नहीं करती। मैं थी हॉस्पिटल में तो कुछ दवाइयां मुझे दी गई जो कि मैं जिस तरीके से मैं तकलीफ में थी वैसे जो और पेशेंट होंगे उनको दी जाती होंगी, मुझे सूट नहीं करी, मैं और भी ज्यादा बीमार हो गई, फिर मेरा जो ट्रीटमेंट था चेंज किया गया, है ना। तो हर जगह हर चीज तो ही ना फिट बैठ जाती है कि हाँ लगा दो कुछ भी, ठीक है, लेकिन आप ये करते हो। ओके, तो यहां पर चेंज करने की जरूरत है। तो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपके सामने चॉइसेस आने वाली है, दो रास्ते आपके सामने आएंगे, अगर आपने सही रास्ता इस बारी चुना, फॉलो नहीं किया, वो किया जो आपका दिल कहता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, अगर आपने वो किया तो ब्लेसिंग्स हैं और हीलिंग भी है। ओके, ढेर सारा पैसा है, पता महालक्ष्मी का कार्ड है यहां पर, अबंडेंस है, सब कुछ है,
लेकिन आपको रास्ता चूज करना पड़ेगा। और ये रास्ता पता कैसा है, जहां पर आपको कुछ रिलीज करना है, कुछ है आपके साथ जो कि आपको बांध के रखता है, कुछ है जो आप करते तो हो क्योंकि लोग उसको सही बोलते हैं, वही चीज हो गई ना कि लोग उसको सही बोलते हैं, बट आपको पता है कि यहां पर आप खुश नहीं हो। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है जिसमें आप बंधे हो सिर्फ लोगों के कहने की वजह से, आपकी फैमिली के कहने की वजह से, बट अभी आपको लगता है कि वो सही नहीं है। आपका जो साथी था वो कोई और था और आपने किसी और को चूज किया फायदा नुकसान देखकर, और अभी सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी जब आपको रिलीज करना पड़ेगा, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे कोई जॉब हो सकता है, चाहे कोई ड्रीम हो सकता है जिसको आप अपने पास तो रखे हो लेकिन वो आपको अच्छा फील नहीं करवाता, तो आपको रिलीज करने की जरूरत है, उसे रिलीज करने की जरूरत है और शिकायतें कम करने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों में सुधार कर लेते हो, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हो, तो फिर आपकी हीलिंग भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको ब्लेसिंग्स भी रिसीव होंगी एंजल्स की तरफ से। आपका जो लक है वो काम करने लग जाएगा, आपके आइडियाज लोग सुनने लग जाएंगे, आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके खुद के अंदर से आपको ऐसी भावना आएगी कि हाँ आप रिस्पेक्ट करने के लायक हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट है, जिनको लगता है कि वो भगवान है, और कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो कुछ है ही नहीं। तो ये जो अनबैलेंस्ड सी सिचुएशन है ये भी बैलेंस्ड हो जाएगी, और सीधी सी बात है आप जो हार्डवर्क करोगे उसका फल आपको मिलेगा। कुछ तो है, कोई तो चेंज आया है, ये शायद 1 साल पहले का है, कुछ नया हुआ है जिसकी वजह से चीजें आपके पास से जाने लग गई हैं फटाफट से और आप उसको समझ नहीं पा रहे, और ये किसी और की वजह से नहीं है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो जो ये कह रहे हैं, जैसे शादी नहीं हो जाती, शादी हो गई और फिर आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो अरे इसके साथ में शादी हुई, ये गलत है, ये बहुत बुरे बुरे वर्ड्स बोलते हैं अपने पार्टनर के लिए, अरे ये आ गई इसकी वजह से ऐसा हो गया, ये आ गया इसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में कनेक्शन में आ जाते हो जिसके साथ में आपकी एनर्जीज अलाइंड नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो उसका दोष थोड़ी है, एनर्जीज तो आपकी चेंज हुई ना, वो तो आप ट्रिगर हो रहे हो ना, तो इसकी वजह से आपका काम नहीं बन रहा, आप दूसरों को दोष देते हो, अरे इसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। तो वही रास्ते आपके सामने खुल रहे हैं आने वाले टाइम में, अब आपको चूज करना है कि आपको किस रास्ते पर जाना है, वही रास्ता चूज करना है जिस पर चल रहे हो और ऐसे ही आगे लाइफ चलानी है, या फिर दूसरे वाले रास्ते की तरफ जाते हो। दूसरे वाले रास्ते की तरफ अगर आप जाते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा डर लगे ये सोचकर कि आप अकेले ना रह जाओ, लेकिन अकेले आप नहीं रह जाओगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये भ्रम है, वहम है, जिसके चलते हो सकता है आप रुक जाओ। कुछ है तो जरूर, कोई कनेक्शन है, देखो ये पार्टनरशिप हो बिजनेस में, या फिर ये कोई लव कनेक्शन हो, या फिर ये फ्रेंडशिप हो, या फिर चाहे आपको हेल्थ के ही इश्यूज क्यों ना हो, आप किसी से ट्रीटमेंट ले रहे हो, या वो भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन में आपको मिल कुछ भी नहीं रहा सिवाय एंजाइटी के, तो इस कनेक्शन को तोड़ने की छोड़ने की जरूरत है। जैसे ही आप ये करोगे आपको समझ आ जाएगा कि आप अबंडेंट हो, अभी आपको लगता है आप अबंडेंट नहीं हो, और यहां पर माँ लक्ष्मी वही कह रही है कि अगर आप फील करोगे ना कि आप अबंडेंट नहीं हो तो नहीं हो, अगर आप फील करोगे तो हाँ अबंडेंट हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो चीज है, डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ, आपको अपना पाथ चूज करने की जरूरत है। तो एक टेस्टिंग पीरियड है, अगर आपने इसको अच्छे से पूरा कर लिया तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारा माँ लक्ष्मी का कार्ड आ गया, अभी मैं क्या अलग से क्या बोल दूं, ठीक है। तो ये आपको करना है, शिकायतें नहीं करनी है, अभी आपको सुधार करना है, ओके। तो ये टाइम आपके सामने आ रहा है, ब्रेक निगेटिव हैबिट्स, बहुत सारे निगेटिव हैबिट्स हैं, अगर सोने खाने पीने का बात करने का सही तरीका नहीं है तो उसमें थोड़ा सुधार आपने करना है, अदरवाइज तो वो खुद ही हो जाएगा। हो सकता है कि जिस भी आप बंधन में हो, जो भी आपकी सोच चल रही है, सोच से भी एक बंधन बन जाता है, अगर आप उसको तोड़ते हो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ओवर थिंक एक तो बहुत करते हो फायदा नुकसान हर चीज में, ओके। तो लोगों को फॉलो करना बंद करो, वो करो जो सही लगता है, वो करो जो आपका अनुभव आपको करने के लिए कहता है, वो करो जो आपकी इंट्यूशन आपको करने के लिए कहती है, वो मत करो जो लोग कर रहे हैं, उनको फॉलो मत करो जिनको सब फॉलो, हाँ ये इसको फॉलो करना चाहिए, फिर आप तो फॉलोअर हो गए, आप लीडर कहां से हुए, और लीडर की वो है सोल आपकी ऐसी है जो आपको लीडर बनने के लिए बोलती है, सी लीडर वाले काम है नहीं, यही हो जाता है, यही अंतर होता है, यही तो मैं बोल रही हूं। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में आ जाते हो जिनके साथ में आपकी एनर्जी अलाइन नहीं है तो ये होता है, वैसे ही अगर आप अपने सोल पर्पस को छोड़कर कुछ और करने की कोशिश करते हो ना, यही प्रॉब्लम होती है, फिर आप कंफ्यूज ही रह जाते हो पूरी जिंदगी। कल ही मेरे पास कोई रीडिंग के लिए आया था, मेरे से
पूछा गया था कि हम कौन सा करियर पाथ चूज करें, मुझे पसंद ये है लेकिन मुझे अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर इसमें ज्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा बेटा जो पसंद है वो करो, क्योंकि जब उस पर मेहनत करोगे ना तो उतना ही अबंडेंस आएगा जितना कि यहां से आपको दिखाई दे रहा है। और कार्ड्स भी वही आए, मेरे कहने की बात नहीं है, कार्ड्स भी वही बता रहे थे, वो चीज हो जाती है, सब तैयार हो जाते हैं, सब मान जाते हैं। मालूम है शुरू में थोड़ा चिक 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 होती है और फिर सब ठीक हो जाता है। ठीक है, हाँ गलत मत करो, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ गलत करो कि पता चला आप पीटने का मन कर रहा है तो जो पीट आए फिर बाद में ठीक हो जाएगा, नहीं, किसी को हर्ट नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसा है जो सही है और किसी का बुरा नहीं होना है, बस थोड़ा आपको इस बात का फिक्र हो रही है कि अरे वो हमसे नाराज होंगे, थोड़ा गुस्सा दिखाएंगे ये वो, तो वो ठीक हो जाता है। आपको जो प्यार करते हैं ना वो आपकी बात को समझ जाते हैं। ठीक है, अभी क्या आपको रिलीज करना है वो आप समझो, अगर फायदा नुकसान की वजह से रिलीज नहीं कर रहे हो तो वो देख लेना। ठीक है, मैंने अच्छे से इतनी देर बैठकर आपको समझाया है, आई थिंक अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो क्या आप रिसीव करने वाले हो, आपके सामने दो रास्ते आने वाले हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, अपॉर्चुनिटी आप रिसीव करने वाले हो। जब आप एक रास्ता चूज कर लोगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा, तो फिर आप ब्लेसिंग्स की तरफ जाओगे एंड देन स्लोली आपकी हीलिंग भी होनी लग जाएगी। ठीक है, तो ये आप रिसीव करने वाले हो, यानी कि सब कुछ जो भी हमने आज लिखा है रीडिंग टॉपिक में, रीडिंग के टॉपिक में, तो वो सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैंने क्लियरली आपको बता दिया, रीडिंग अगर लंबी हो गई हो, मैंने ज्यादा समझा दिया हो तो क्षमा चाहूंगी। मैं ये इसलिए करती हूं कि कोई भी डाउट्स ना रह जाएं। दैट्स इट। मिस्टिकल पावर, अगेन आपको इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बोला गया है, आप इंट्यूशन को फॉलो करें, आपकी इंट्यूशन अभी बहुत अच्छे से काम करेगी। अथॉरिटी आपको मिलने वाली है और जो हार्डवर्क किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। रैबिट, ओवरकमिंग फियर, अरे वाह, तो अगर मेरे कहने से आप डर से मुक्त हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर तो यही दिखाया जा रहा है। और एम्प्रेस की एनर्जी भी है, यानी कि ढेर सारी अबंडेंस आएगी, और आपका कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो वो आगे चल निकलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे इन एंड यांग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और देखते हैं, सेवन हॉर्सेस, गुड थिंग्स टू कमेंस, ओके, एंड लीडिंग द पाथ, ब्लेसिंग्स ऑफ सन गॉड। लीडर हो तो लीडर ही बनो ना यार, क्या रेड सन, ओहो, ओके, सो मेनी थिंग्स, बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी है, लेकिन वही है थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, डरना मत, बिल्कुल नहीं डरना, जितना डरोगे उतना डिप्रेशन में जाओगे, काम बिगाड़ोगे। डर से डिप्रेशन होता है, पता है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, वेलकम टू योर ट्विन फ्लेम वर्ल्ड। चलिए देखते हैं आज की एनर्जी क्या कहती है। मैं कोशिश करूंगी कि रोज ही मैं यहाँ पर वीडियो आपके लिए अपलोड करूं, अगर कभी रह जाता है बाय चांस नेट की वजह से कुछ इश्यूज हो जाते हैं तो मैं पोस्ट यहाँ पर पक्का डाल दिया करूंगी। आपको बस फॉलो करना है इसको, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप हैं तो हेल्प हो जाएगी, मुझे खुशी होगी कि मैं हेल्प कर पा रही हूँ। जनरल रोल्स, ये कल जैसी ही एनर्जी आ रही है, और आई थिंक कार्मिक पार्टनर पुशिंग ईच अदर टू ग्रो, ओके, नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज वेल, यू नीड नॉट फियर, ओके। तो यहां पर हो सकता है जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं उन्होंने ये फील किया होगा, ओके, मैं बॉटम ऑफ द डेक भी लूंगी, कि उनके जो पार्टनर्स हैं वो शायद कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, आपको फील हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही है, आप अपने ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है उसको महसूस कर सकते हो, टेलीपैथिकली वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको पता लग रहा हो कि वो कुछ गलत करने जा रहे हैं, बट आपको बोला गया है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये उनका लेसन है। ये कार्मिक साइकिल्स चलते हैं और ये कार्मिक साइकिल्स आपको भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं और उनको भी, अगर वो कुछ गलत करेंगे, कोई गलती करेंगे तो उनको सीख मिलेगी। और जब उनको सी, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कई बार मुझे आकर लोग बोलते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है लेकिन हमारा जो पार्टनर है वो तो किसी और के साथ है, किसी और के साथ में फ्लर्ट कर रहा है या किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि रिलैक्स, वो वहां से धोखा खाकर आपके पास आएगा, ओके, तो ऐसी सिचुएशन बनती है। तो अगर आपका पार्टनर आपको लग रहा है कि किसी और के साथ में फ्लर्ट कर रहा है, किसी और के साथ में कनेक्शन में है, किसी और के साथ में फिजिकल हो रहा है, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां से उसको धोखा मिले, क्योंकि तभी वो आपकी वैल्यू को समझेगा। सो डोंट वरी,
लेट इट बी, इसको होने दें। और अगर आप ये करने जा रहे हैं तो आप रुक जाएं, क्योंकि जो चीज उनके साथ होगी वो आपके साथ भी होगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है वो भी धोखा दे रहा है, मैं भी धोखा दूंगी या दूंगा, तो नहीं, आपको नहीं करना है, ठीक है? रिलैक्स, आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है, चीजें ठीक होने ही वाली हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका ट्विन फ्लेम कहीं नहीं जाएगा, यहां पर है सेलिब्रेशन, इसलिए मैंने ये बॉटम ऑफ द डेक रखा। ओके, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉय। आपको बोला गया है कि जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको एंजॉय करो। अगर आपका पार्टनर अभी आपके साथ में नहीं है तो वो करो ना जो आपको करना अच्छा लगता है, जिसके लिए आप पैशनेट हो। पेंटिंग करो, स्केचिंग करो, कुकिंग करो, डांसिंग करो, सिंगिंग करो, जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हो। क्या जरूरी है कि उसके बारे में सोचकर बैठो और रोते रहो? उसका लेसन उसको लेने दो, आप अपना देखो ना, लौट कर उसको आना तो आप ही के पास है। ठीक है, तो ये आपको मैसेजेस मिले हैं आज की रीडिंग में। आई होप कि आपको समझ आए हों और आप इसको फॉलो करें। पसंद आई है रीडिंग तो इसको लाइक जरूर करें। बाय बाय।